नमस्कार, मैं हूं आलिया। इंडियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की बुलेटिन पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। शून्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत विभाग से इस्तीफे के मुद्दे को उठाया। पूर्व योजना के मुताबिक विपक्ष ने सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा सचिवालय से लिखित अविश्वास प्रस्ताव भेजा है। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को पहले 10 मिनट के लिए और बाद में गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शून्यकाल शुरू होते ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा, प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई है। मंत्री ने पत्र लिखकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत उन आरोपों पर मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों का जवाब आना चाहिए। भाजपा के दूसरे विधायकों ने इस पर सवाल उठाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, एक मंत्री का मुख्यमंत्री को पत्र लिखना संवैधानिक संकट और व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करने की भी विधानसभा सचिवालय को कोई सूचना नहीं है। आगे का विधानसभा का सत्र हंगामेदार होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कुम्हारी नगर पालिका को करोड़ों की सौगात दी। अब करोड़ों से विकास कार्य के होने से पालिका क्षेत्र पहले की भांति और सवरेगा। आज सीएम बघेल ने नगर पालिका के नए भवन का लोकार्पण भी किया है। इस दौरान उन्होंने सभा कक्ष में पहुंचकर पार्षदों से बातचीत की। पार्षद ने नए भवन की सौगात देने पर सीएम का आभार जताते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को कुम्हारी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुम्हारी नगर वासियों को करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी नगर पालिका के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना के बाद कुम्हारी नगर पालिका के सभा कक्ष में पहुंचे और वहां मौजूद कुम्हारी नगर पालिका के पार्षदों से चर्चा की। उन्होंने नए भवन की शुभकामनाएं देते हुए बेहतर कार्य करने की बात कही। नगर पालिका कुम्हारी के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण और उसके बाद मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण का कार्यक्रम है और विभिन्न और भी कार्यक्रम आयोजित है कुम्हारी में। बहुत दिनों से बहुप्रतीक्षित मांग थी यहाँ के लोगों की, वो तो पूरा हो रहा है। नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। कुम्हारी रायपुर राजधानी से बहुत नज़दीक, उसके बाद बहुत ही उपेक्षित रहा। बहुत दिनों से महाविद्यालय की मांग थी, हॉस्पिटल की मांग थी, प्लेग्राउंड की मांग थी, वो सारी मांग एक एक करके पूरा हो रहा है। और जिसमें हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी का यहाँ के विकास में बड़ा योगदान, उसी डेरिया जी भी साथ में आए हैं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। अब उनके पास वैसे 14 जने हैं भाजपा के, वो अपना धर्म निर्वहन कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। कुम्हारी नगर पालिका का सभा कक्ष विधानसभा की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसे देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कुम्हारी नगर पालिका के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान भी किया और कुम्हारी नगर पालिका में मुख्यमंत्री द्वारा महिला कमांडो का सम्मान करते हुए उन्हें चेक प्रदान किए। उन्होंने कुम्हारी नगर पालिका को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जगदलपुर के बस्तर चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल के सुरक्षाकर्मी सेवा से बेदखल किए जाने की धमकी से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। सुरक्षाकर्मियों ने कलेक्टर से नियोक्ता के खिलाफ समय पर वेतन नहीं दिए जाने की शिकायत की है। जनसभा व कामगार सभा की अगुवाई में अपने अधिकार के लिए सुरक्षा कर्मियों ने आंदोलन किया। इससे नाराज नियोक्ता ने सुरक्षा कर्मियों को सेवा से हटाने की धमकी दी है। इस मामले की शिकायत स्थानीय प्रबंधन व श्रम विभाग से करने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई। सुरक्षा कर्मियों ने सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पांडे के नेतृत्व में कलेक्टर चंदन कश्यप से मिले और नियोक्ता पर कार्यवाही कर समय पर वेतन दिलाने की मांग की। और हम लोगों को वेतन की समस्या बहुत होती है सर। हम लोग इसके लिए मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में हम बोले और हमारे जो ठेकेदार मालिक आए हुए हैं उनसे हम लोग बोला, हमने वेतन के बारे में बोला तो दो महीने में हम लोग का, जब दो महीना पूरा होता है सर, तीसरे महीने में हमारा एक महीने का तनख्वाह आता है,
जिससे हमारे हमको घर चलाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है सर। तो इसके लिए हमारे ठेकेदार ने हमें धमकी दिया कि हम लोगों को हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा सर, कि हमारे घर चलाना मुश्किल होता है। और हम लोगों को ठेकेदार ने ये बोला कि अगर तुम लोग हड़ताल करोगे तो तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और बस्ता जगदलपुर और डिमरापाल आसपास के गाँव के क्षेत्र के लोगों को नहीं रखा जाएगा, बीजापुर सुकमा से हम गार्ड लाके ड्यूटी करवाएंगे करके हम लोगों को धमकी दी गई। छत्तीसगढ़ में 2 रुपये प्रति किलोग्राम गोबर खरीदी के बाद गौमूत्र खरीदी भी शुरू होने जा रही है। सरकार ने इसके लिए कम से कम 4 रुपये प्रति लीटर की दर तय की है। गौठान प्रबंध समिति गौमूत्र खरीदी की दर स्थानीय स्तर पर तय कर रहा है। इसकी शुरुआत हरेली विहार यानी 28 जुलाई से हो रही है। पहले चरण में प्रत्येक जिले में 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉक्टर अयास तंबोली ने सभी कलेक्टरों को गौठानों में गौमूत्र की खरीदी को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि गौमूत्र की खरीदी गौठान प्रबंधन समिति के खाते में उपलब्ध गोधन न्याय योजना से मिली राशि और उसकी ब्याज राशि से करेगी। उन्होंने कलेक्टरों को अपने अपने जिलों के 2 स्वावलंबी गौठानों स्व सहायता समूह का चयन करने, गौठान प्रबंधन समिति तथा स्व सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के साथ ही गौमूत्र परीक्षण संबंधी कीट एवं उत्पाद भंडारण हेतु आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है। कलेक्टरों को चयनित गौठान एवं स्व सहायता समूह की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी साल अप्रैल मई में गौमूत्र खरीदी की घोषणा की थी। उसके बाद कृषि विभाग ने कामधेनु विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से गौमूत्र के वैल्यू एडिशन पर एक अध्ययन कराया। अब चरणवार इसकी शुरुआत की जा रही है। 3 दिन पहले शिवनाथ नदी में डूबी कार का रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलगांव के पास शिवनाथ नदी की छोटी पुल से गिरने के बाद यहां की करीब 250 मीटर की दूरी पर कार मिली। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे रेस्क्यू टीम को सफलता हाथ लगी। कार के अंदर केवल एक ही शव मिला है। रविवार की रात शिवनाथ नदी में गिरी कार का रेस्क्यू ऑपरेशन बुधवार की दोपहर को समाप्त हुआ, जब NDRF व SDRF की टीम ने स्थानीय मछुआरों की मदद से नदी में जाल डाला और कुछ ही घंटों में कार की तलाश कर ली गई, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। कार में एक युवक की लाश पाई गई। दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने कार व कार में सवार मृतक की पहचान बताते हुए बताया कि मृतक का नाम निशांत भंसाली है, जो टिकरापारा रायपुर का निवासी है। उन्होंने बताया कि मृतक निशांत भंसाली अपने घर से झगड़ा कर निकला था। उन्होंने प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को आत्महत्या का परिणाम बताया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से मिली इस सफलता के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इन मछुआरों का सम्मान 15 अगस्त को किया जाएगा। यहाँ को मालूम है, संडे को रात में मछुआरों द्वारा सूचना दी गई थी कि एक गाड़ी यहाँ बह गई है, और उसके बाद बताया गया कि बैरिकेड हटाकर एक गाड़ी अंदर आई और सीधा पानी में चली। हमने CCTV फुटेज से पता लगाया कि 80 गाड़ियाँ इस इलाके में आई थी। उनके सभी के मालिकों को फ़ोन करके पता खुशाजी की गई, तो मालूम चला कि निशांत बंसाली करके टिकरापारा निवासी संडे को ही घर से लड़ झगड़ के व्हाइट गाड़ी में निकला है। कल सीनियर अधिकारी मैं खुद भी हमने इसी एरिया का मुआयना किया और हमने एक एरिया लोकलाइज किया जहाँ पर डूबने के सबसे ज़्यादा चांस है। आज मॉर्निंग 6 बजे से ही लोकल मछुआरों NDRF SDRF की टीम उसी इलाके में हमने डिप्लॉय करके सघन जांच की, तो एक वाइट रंग के नीचे कोई गाड़ी बात सामने आई, उसको 3 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। परिजनों को बुलाया गया था, परिजनों ने निकलते ही इसकी पहचान निशान भंसाली के रूप में की है। निश्चित रूप से SDRF NDRF लोकल फोर्स और मछुआरों के कोऑर्डिनेशन और लाइजनिंग और एकजुटता के कारण, उत्साह के काम करने के कारण ही ये जो है बॉडी को रिकवर किया जा सकता है। तो उनको जो अभी प्रशासन से बात की जाएगी और इन सबको जो है आर्थिक और पुरस्कार जो है सबको दिया जाए। नीट एग्जाम दिलाकर लौट रहा छात्र पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसका शव रेस्क्यू टीम ने 15 घंटे बाद ढूंढ निकाला है। पिता भी साथ में स्कूटी से नाला पार करने के दौरान बहा, लेकिन वह बच निकला था। कांकेर जिला के चिनोरी गांव निवासी एक पिता अपने छात्र पुत्र को नीट का एग्जाम दिलाकर दुर्ग से अपने गांव लौट रहे थे और बालोद के साकरा बरही के सेमरिया नाला पार कर रहे थे। तभी पिता और पुत्र स्कूटी सहित पानी की तेज धारा में बह गए। जैसे तैसे पिता ने अपनी जान तो बचा ली, पर पुत्र बह गया। पिता ने अपने पुत्र को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसी रोड से दुर्ग गए थे क्योंकि कल नीट का परीक्षा था 2 से 5:30 बजे तक। 5:30 बजे के बाद पेपर ख़त्म होने गए। इसी रूट से फिर आए हम लोग करीबन 8, 8:30, 9 आसपास, तो पार होने की स्थिति में थे। बीच रास्ते में आए तो हमारा गाड़ी जो है ब्लेंस अनब्लेंस हो गया, गाड़ी बंद हो गया।
फिर हम दोनों बाप बेटे दोनों गाड़ी आगे, मैं आगे पकड़ा, वो पीछे पड़ा था, तो गाड़ी तिरछा हो गई तो पानी जो है खींच दिया वहाँ नीचे। खींचने के बाद मैं हेलमेट वेलमेट सब निकला, बच्चा चिल्लाया पापा पापा करके। उसके बाद मैं सीधा हेलमेट वेलमेट सब वहीं रेनकोट वगैरह निकाल, जूता चप्पल निकाला और ढूंढते ढूंढते उधर निकल गए। आगे आगे तक मैं भी ढूंढते उधर निकल गया। और उसके बाद आए उधर, फिर गांव वाले एक दो आए थे भी उतने समय, जब मैं उधर से आया ढूंढ के नहीं मिला नाले खड़े थे, तो उन लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात मेरे साथ घटना घट गया। फिर उन लोग तत्काल थाना में सूचना दिए, फिर गाँव वाले सूचना दिए, फिर उन लोग भी ढूँढे इधर उधर, फिर थाना वाला भी आए। फिर करीबन 9, 9:30, 10 बजे अभी कुछ ये स्थिति है कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। मैं तैसे तैसे करके अपना प्राण बचा लिया, रात में बच्चे के प्राण नहीं बचा पाए। अगले दिन आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर 15 घंटे के बाद झाड़ियों में फंसे छात्र के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। ये पिता पुत्र नितेश दर्रो और उमेश दर्रो चारामा थाना अंतर्गत चिन्हौरी गाँव का रहने वाले हैं। उमेश की कल नीट एग्जाम थी दुर्ग में, तो पिता पुत्र दोनों अपनी स्कूटी से गए हुए थे। वापसी में सागरा से बरही मार्ग पे नाले पास पानी का बहाव तेज होने से पार कर रहे थे, पार करते वक्त स्कूटी समेत बह गए। प्रशासन लगी हुई थी मौके पर, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी साहब सभी थे, गोताखोरों की टीम लगी हुई थी, जिसे आज सुबह पता तलाश कर निकाला गया। बालोद जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने राहत एवं बचाव कार्य की टीम को तैनात करने की बात कहते हुए राहगीरों से उफनते नदी नालों को पार नहीं करने की अपील की है। देखिए, जिस हिसाब से तीव्र वर्षा हो रही है उसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। हम आपके माध्यम से भी सभी लोगों से अपील करते हैं, किसी भी ऐसे स्थान से क्रॉस न करें जहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। हमने आज गांवों में भी ये जानकारी करवाई है कि गांव के लोग ही सक्रियता से, हमारी टीमें पहुंच रही हैं लेकिन फिर भी सक्रियता से ऐसे जहां पर भी कोई विषय बन रहा है वहां पर तत्काल सक्रिय रहें। बाकी एक हमारा 24/7 कंट्रोल रूम शुरू किया गया है, कोई भी जानकारी मिलती है तत्काल बताएं, प्रशासन तत्काल मदद करे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। स्विमिंग पूल या जलाशयों में आपने तैराकी स्पर्धा देखी या सुनी होगी, लेकिन सड़क पर यह स्पर्धा सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा। जी हाँ, लेकिन यह सच है। जोगी कांग्रेस ने पंडरिया के धनेली मुख्य सड़क पर तैराकी स्पर्धा रखी है। विजेताओं को बकायदा पुरस्कृत करने का भी फैसला लिया गया है। देखिए ये खबर। कवर्धा जिले के धनेली भगतपुर मार्ग बड़े बड़े गड्ढों से तालाब में बदल गया है। जोगी कांग्रेस कार्यकर्ता ने विरोध करने नया तरीका ढूंढ निकाला है। यहाँ सड़क पर तैराकी स्पर्धा 21 जुलाई को होगी। प्रतिस्पर्धा के विजेताओं को श्रीफल व गमछा ओढ़ाकर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पंडरिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाला यह गांव है, धनेली करके ग्राम है, जिसके गांव के बीचों बीच जो गड्ढा है वो तालाब में तब्दील हो गया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ गिजे की अगुवाई में गुरुवार के दिन 21 तारीख को हमारे द्वारा उस गड्ढे में जो तालाब रूपी है उस गड्ढे में हमारे द्वारा तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा और संबंधित विभाग जो है जिनके अधिकारी आएंगे उनके हाथों से तैराकी प्रतियोगिता में जीते हुए व्यक्ति को उनके हाथों से इनाम दिलवाया जाएगा। और इस जर्जर सड़क में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। राहगीरों के साथ स्कूली बच्चे भी बदहाल सड़क से परेशान हैं। इसके मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी व पंचायत से अनुरोध किया, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर तंग आकर जोगी कांग्रेस ने अजूबा स्पर्धा करने का विचार किया।
बरसात में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना हो जाता है कठिन, फिर भी कुछ वर्षों से इस योजना में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसका बेहतर फायदा पुलिस को मिल रहा है। जवानों ने एनकाउंटर कर कई नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस ने बरसात में जवानों को नक्सलियों से निपटने विशेष प्रशिक्षण दिए हैं। बस्तर संभाग के 7 जिले नक्सल प्रभावित एरिया हैं। अन्य दिनों के अलावा बारिश के सीजन में भी पुलिस ने नक्सल ऑपरेशन तेज कर दिया है। बरसात से पूरा जंगल कीचड़मय हो गया है, इससे जवानों को सांप, बिच्छू व अन्य जानवरों से खतरा बना रहता है। वहीं नक्सल क्षेत्र के नदी नाले भी उफान पर हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। इस वर्ष मॉनसून ऑपरेशन में 3 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया, प्रशिक्षित जवान ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2022 से मानसून की अवधि में भी लगातार सुरक्षा बल द्वारा अंदरूनी सीमा जिला संचालित की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप विगत महीने में उनका 3 माओवादी कैडर का डेडबॉडी भी उबेर के पश्चात रिकवर की गई थी और अन्य इलाकों में लगातार कार्रवाई भी जारी है। इस दौरान जवानों के लिए अंदरूनी क्षेत्र में जो नदी नाला पार करने के लिए उनका जो रिवर क्रॉसिंग का जो इक्विपमेंट्स है और अन्य जितना भी साधन उनकी आवश्यकता होते हैं उसको उपलब्ध की जाती, ताकि वो लोग सुरक्षित तरीके से इन परिस्थिति में भी अपने कार्य को संपादित कर सकता है। और जैसा ट्रेनिंग में भी रिवर क्रॉसिंग का उनका जो सावधानी क्या क्या लेने चाहिए, इन सब तमाम विषय पर उनका लगातार ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस अवधि में सुरक्षा बल के जवानों द्वारा न सिर्फ नक्सल विरोधी अभियान, साथ साथ जो बाढ़ प्रभावित इलाके में जो आम जनता को जो किस प्रकार के तकलीफ हो रहे थे उनको भी राहत पहुंचाने के भी कार्य किए गए थे। उदाहरण स्वरूप बीजापुर जिला के गंगलूर इलाके में 2 दिन पूर्व में एक महिला प्रसव पीड़ से काफ़ी परेशान थे, उनका नदी पार करके उनका सुरक्षित तरीके से प्रसव भी सुरक्षा बल के जवान या SDRF के जवानों द्वारा किए गए थे। इस प्रकार नक्सलवादी अभियान के साथ साथ क्षेत्र में जन सेवा में भी हमारे जवान लोग समर्पित होकर काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर से सड़क की जुताई कर धान की बुआई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सड़क की दुर्दशा का विरोध करने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला है रायगढ़ जिले के किसानों ने। रायगढ़ जिले के तमनार विकास खंड में कई कोयला खदानें हैं। यहाँ की सड़कों से रोजाना कई खेप कोयला का परिवहन डंपर व भारी वाहनों से होता है। इसके चलते सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों में पानी का भराव हो गया है। सड़कों पर आवाजाही में राहगीरों व किसानों को परेशानी हो रही है। आज सुबह मीलूपारा का परेशान किसान दिनेश पटेल अपने साथियों के साथ करीबन 100 मीटर सड़क को जोतकर धान के बीज भी छिड़केगा। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। शिकायत के बाद भी सड़क का संधारण नहीं होने पर ग्रामीणों ने ये कदम उठाया है। रायगढ़ जिले के तमनार विकास खंड के कोयला प्रभावित क्षेत्र के ग्राम मीलूपारा के ग्रामीणों द्वारा कई बार अनुविभागीय अधिकारी घर घोड़ा एवं जिला प्रशासन से सड़क को लेके कई बार शिकायत की गई। जब शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का सुधार कार्य नहीं किया तो ग्रामीणों द्वारा दुखी होकर अंततः ट्रैक्टर से जुताई करके और उस जगह पर धान की बुवाई कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे इस पूरे कोयलांचल क्षेत्र से लाखों टन कोयला लगभग रोज जाता है और जो जिला खनिज न्यास का काफ़ी पैसा इकट्ठा होता है, जो कोयला प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर खर्च किया जाना चाहिए, परंतु जिला प्रशासन से कई बार मांग करने के बावजूद भी जब ग्रामीणों के आने जाने का सड़क का मरम्मत नहीं किया गया तो अंततः प्रभावित क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं वो दुखी होके ये बेहतर समझा कि जब कमर बराबर गड्ढे हैं तो उसमें ट्रैक्टर से जुताई करके ग्रामीणों द्वारा धान की बुवाई कर दी गई। इन दिनों धमतरी जिले का माटेगहन प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हो गया है। एकमात्र शिक्षक भी पखवाड़े भर से बिना बताए नदारद है। पालकों ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से स्कूल में तालाबंदी का मन बना लिया है। माटेगहन स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ थे, इनमें से एक की पद स्थापना आत्मानंद स्कूल में हो गई है, वहीं दूसरा बिना बताए 15 दिनों से गायब है। बच्चे यहाँ मध्यान्ह भोजन कर लौट रहे हैं। कई TC लेकर कांकेर जिले के अन्य स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं होने से पालकों में नाराजगी है। वहीं पालकों ने शिक्षकों की पद स्थापना नहीं होने पर तालाबंदी का मन बना लिया है। हमारे यहाँ अगर शिक्षक था सिन्हा सर जी, उसको आत्मानंद में भेज दिए हैं और हमारे स्कूल में भी शिक्षक के अभाव है। उसके जगह में एक शिक्षक दिए थे, कोसमर्रा थे, अब चुनाई में आया है कि वो कहीं निलंबित टीचर हैं,
जो सप्ताह भर लगभग स्कूल आया और उसके बाद से अभी अनुपस्थिति है उसका लगभग कंटिन्यू 15 दिन। तो उसी समस्या को लेकर हम आए हैं। हमारे स्कूल में यह समस्या लगभग पिछले वर्ष से यही परेशानी आ रहा है और संकुल प्रभारी भी इसके संबंध में आवेदन दे चुके हैं। और अभी कितने टीचर हैं? अभी एक ही टीचर हैं पहले से, पांच और 31 बच्चे हैं वहाँ, जिसमें से अभी दो पालक तो अपने टीसी निकलवा लिए हैं वहाँ से। हम सर अभी आज पालक और सरपंच महोदय साथ में आए हैं और अपना समस्या कलेक्टर महोदय के पास दिए हैं। अब 2 दिन का आश्वासन दिए हैं कि चलो हो जाएगा, नहीं होती तो क्या पहल। अब ये स्थिति में सभी पालक विचार कर रहे हैं कि स्कूल में ताला लगाओ या फिर टीसी निकलवाएंगे। दो पालक तो निकाल चुके हैं अभी टीसी, और ऐसा समस्या रहा तो हम भी अपने बच्चे का भविष्य का देखने, अब देखो दूसरे स्कूल में ताला लगेगा। हाँ, ताला लगेगा। हमारे ग्राम पंचायत चिकली के आश्रित ग्राम माटेघान में प्राथमिक शाला माटेघान में शिक्षक की कमी के कारण हम पालक आए हुए थे कलेक्टर महोदय से आवेदन देने के लिए, तो आवेदन दिए हैं। तो ये हम लोगों को ये परेशानी है कि वहाँ दो शिक्षक थे और एक शिक्षक तो अभी आ नहीं रहे, 15 दिन हो गए, तो बच्चे का पढ़ाई भी नहीं हो रहा है और पालक अपने बच्चे का टीसी निकाल रहे हैं। और धमतरी जिला में पढ़ रहे हैं वो पालक, मतलब बच्चे वहाँ भर्ती कर रहे हैं बस्तर में। तो हम लोगों का कहना है कि यहाँ टीचर दो या तो फिर हम लोग ताला लगाएंगे स्कूल को। आज कल में मुझे लगता है ये आदेश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आज सुबह पूरे चारों विकासखंड के शिक्षकों की प्रतिपूर्ति और सन्नगरीकरण युक्ति उत्तीकरण कार्य बारे में समीक्षा करके अनुमोदन किया है। एक दो दिन में सभी स्कूल में यह सुचित जितनी आवश्यकता है उतनी व्यवस्था हो जाएगी। कहते हैं नशा पावर सब पावरों से ऊंचा होता है। जो काम एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता वह एक नशेड़ी नशे में धुत होकर कर सकता है। इसे सिद्ध कर दिखाया है खरगोन के एक ग्रामीण युवक ने, जो नशे के पावर में ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। देखिए हमारी खबर में। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कैली गांव में युवक अपने नशे का पावर दिखाते हुए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसके बाद युवक कई घंटे टावर पर सो गया। आसपास के लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो कुछ क्षण के लिए उनके दिल थम गए। गांव में हलचल मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक को टावर से नीचे उतारा। इस डरावने दृश्य को देखकर अब यह तो कहा जा सकता है कि नशे का पावर किसी ऊंचे टावर से कम नहीं होता। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। अंबिकापुर नगर निगम में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। महापौर जानकी काटजू, कमिश्नर संबित मिश्रा व अन्य अधिकारी वार्ड 3 पहुंचकर साफ सफाई को लेकर निरीक्षण किया गया। साथ ही सड़क और नाली निर्माण की मांग पर मेयर ने एस्टिमेट बनाने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। महापौर और अधिकारियों ने निगम क्षेत्र के वार्डों में सुबह स्वच्छता अभियान के तहत निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व पार्षद इश्कृपा तिर्की से समस्याओं की जानकारी ली गई। रामभाटा संचय मैदान से शुरू होकर मंगलू डिपा, रेशम प्रशिक्षण केंद्र, बस डिपो, वेयर हाउस, सामुदायिक भवन के पास जाकर नाली व गलियों का निरीक्षण किया और सफाई के निर्देश दिए। वार्ड नंबर 3 में महापौर और आयुक्त सर का संयुक्त निरीक्षण था, तो वे दोनों टीम के साथ में अपनी टीम के साथ आए हुए थे और पूरा वार्ड नंबर 3 में भ्रमण किए हैं। तो मैं उन्हीं के अनुसार पानी और आपका नल जो है अमृत मिशन और सड़क नाली ये सब के बारे में बताई हूँ कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है,
वो सब जगह मैं दिखा दी हूँ। जैसे स्टेज के पास में यादव घर में अमृत मिशन का जो पाइप फट गया है उसे बनाने के लिए रिपेयरिंग के लिए बोली हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही बन जाएगा करके। और यहाँ संजय मैदान में जो वायर लगा हुआ है 30 मीटर का उसे भी बताई हूँ कि वो वायर बहुत दिनों से टूट गया है, 440 हो गया है, तो उसे बनाने के लिए बोली हूँ। 30 मीटर पाइप की वायर की ज़रूरत है तो उसे उन्होंने लगाने का आश्वासन दिया है और वही लग जाने के बाद में हमारे यहाँ लाइट का सुविधा हो जाएगा ऐसा उम्मीद है। और हम नाला के तरफ भी लेके गए थे वायर सर को और उन्होंने उन्हें भी वहाँ भी देखे वे देखे और बोले हैं कि वो जो मंगलोडीपा का जो सड़क है वो आवेदन देने से बन जाएगा करके। मैं आवेदन दे चुकी हूँ, वैसे फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें घुमा करके लाई हूँ, वे घूम करके आए हैं और पूरा निरीक्षण करके बोले हैं कि सब बन जाएगा करके। स्कूल के पीछे जो नाली है उसको भी रिपेयरिंग करेंगे बोले हैं। निरीक्षण के दौरान मंगलोडीपा सहित कई जगहों पर अवैध निर्माण की शिकायतें आईं, जिसको लेकर आयुक्त ने अवैध निर्माण हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही राजस्व सर्वे कार्य में तेजी लाने और राजस्व वसूली बढ़ाने पर जोर दिया। जी हाँ, जो वार्ड नंबर 3 में निरीक्षण किया गया है, खास करके बरसात को देखते हुए साफ सफाई के लिए कहाँ कहाँ डंप किया जा रहा है, कहाँ कहाँ जल भराव होता है, इसी को देखते हुए आज निरीक्षण किया गया है। और साथ में जैसे कि अमृत मिशन का पानी का समस्या है उसको भी देखा गया है और नाली जाम हो जा रही है उसको भी क्लियर कराने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ में जो अमृत मिशन के काम चालू नहीं हो पाया है और पाइप विस्तार नहीं हुआ है उसी को देखते हुए आज निर्देशित किया गया है। और सड़क नाली का समस्या है उसको भी कराने के लिए निर्देश किया गया है तत्काल कराने के लिए। और साथ में हमारे पार्षद जी भी मांग किए हैं जैसे कि वार्ड में बहुत से जगह में नाली का समस्या है उसको भी कराने के लिए निर्देशित की गई है। प्रेमी प्रेमिका ने प्लानिंग कर हत्या करने के बाद शव को सड़क पर फेंक दिया था। इस अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव जिले के लालबाग पुलिस को सप्ताह भर पहले बागतराई लिटिया सड़क पर एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। आसपास ग्रामीणों से पूछताछ करने पर उनकी पहचान ग्राम लिटिया के हिरावन मांडले के रूप से हुई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का गांव की विधवा महिला मोमिन वर्मा के साथ प्रेम संबंध था। इस संबंध को लेकर प्रेमिका मोमिन का मृतक की पत्नी का विवाद हुआ। वहीं मृतक उससे बार बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाता था। इससे तंग आकर मोमिन ने कोलिहापुरी निवासी प्रेमी डिगेश्वर वर्मा के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपी को जेल भेज दिया है। ये PS अंबागढ़ चौकी का मामला, अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत एक गुंडरदेही थाना है, उसमें एक व्यक्ति ने अपने पत्नी की गुम होने की रिपोर्ट थाना अंबागढ़ चौकी में दर्ज कराई थी और उसकी थाना अंबागढ़ चौकी में गुम निशान कायम कर पता तलाश की जा रही थी। कुछ दिन के बाद जो प्रार्थी था स्वयं थाना पहुँचा और ये बताया कि एक तालाब में एक डेड बॉडी है, शायद वो मेरा पत्नी का है। इस पर से थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी, SDOP अंबागढ़ चौकी और एडिशनल SP मानपुर तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां पे जब उसकी बारीकी से जांच पड़ताल की तो प्रथम दृष्टि ऐसा लगा कि जो डेड बॉडी है वो गटी फटी हालत में है और उसमें प्रथम दृष्टि शंका हो गया था इसकी हत्या करके यहां पे पानी में डाला गया है और उसमें पाइप भी फंसा हुआ था, तार भी बंधा हुआ था। चूँकि डेवन से जो इसमें उसका पति है बार बार पुलिस को गुमराह कर रहा था, इस पर से उसकी शुरू से पूछताछ की गई, पूछताछ पे उसने लगातार पुलिस को गुमराह किया लेकिन उसके द्वारा जब रिपोर्ट लिखाई गई थी गुम इंसानों ने उसके द्वारा ये बताया गया था कि जितने भी ऑर्नामेंट है वो पहन के घर से गई है करके। जब पुलिस ने मौके पे तलाश किया तो उसके घर में सारे ऑर्नामेंट मिल गए थे तो उसी पर से शक और पुख्ता हो गया तो उसके पति के ऊपर। इसके अलावा वहाँ पे कुछ रक्त का छींटे भी वहाँ पे मिले थे उसके घर के पास में और साथ ही जो तार और जो पाइप मिले थे उसी से मिलता जुलता घटना स्थल पर भी मिला था, जिसे पूरा शक पुख्ता हो गया था लेकिन पुलिस को काफ़ी गुमराह किया। लास्ट में तो उसने ये भी बोलने के लिए मना कर दिया कि मेरी पत्नी नहीं है करके। जब ये सब चीज़ एविडेंसेस जब कलेक्ट हुए थे तब उसने बताया कि हाँ मेरे द्वारा हत्या की गई है
और हत्या के पीछे उसने वजह यह बताई कि 2009 में शादी हुई थी, लगातार हम लोगों का पारिवारिक विवाद चलता था, इसी के चलते मैंने इसकी हत्या की है। और जब बच्चे स्कूल से वापस आए, उन्होंने अपने माँ के बारे में पूछा था, तो उनको भी यही बताया था कि आपकी माँ मायके चली गई है, एक दो दिन में आ जाएगी करके। और अभी हम इसमें और भी पूछताछ कर रहे हैं, और इसमें अगर किसी और की भी संलिप्तता होगी तो निश्चित उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पत्नी की हत्या कर लाश सेप्टिक टैंक में छिपाने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। मामला बालको थाना क्षेत्र के रूमगढ़ बस्ती का है, जहां खाना देने को लेकर उपजे विवाद के बाद पति ने लाठी से पत्नी की हत्या कर लाश को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया था। पुलिस 302 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में जुट गई है। बालको थाना क्षेत्र के रूमगढ़ा बस्ती में पति ने खाना देने को लेकर उपजे विवाद पर पत्नी को लाठी से पीट कर हत्या कर दी और शव को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया। पति ने अपनी पत्नी बुधवारा बाई के लापता होने की सूचना बालको थाना में दी। इसी वक्त मृतका का भाई अपने जीजा के घर पहुंचा। बहन के नहीं दिखने पर थाना पहुंचकर हत्या का संदेह जीजा पर जताया। कड़ी पूछताछ में पति रविंद्र वर्मा ने अपनी पत्नी की हत्या करना कबूल किया। फिलहाल पुलिस सेप्टिक टैंक से शव बाहर निकालकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। कोरबा के थाना बालको में सुंदरा गांव से एक घटना हुई है, जिसमें उसका पति जो रविंद्र राजपूत है, मृतका को अपनी पत्नी गुरुद्वारा बहन उसके हत्या करके ये लाश को घर की सेप्टिक टैंक में छुपा दिया था। और बाद में यह उनके मायके पक्ष में यह बताया था कि आपकी लड़की गायब है और मिल नहीं रही है। जब उनके परिजन आए, जब छानबीन किए, जब देखे तो महिला की मृतका की जो डेथबॉडी थी वो सेप्टिक टैंक में मृत अवस्था में था। और पूछताछ पे से यह चीज़ सामने आया कि कुछ घरेलू विवाद को लेकर जो आरोपी जो पति है वो अपनी पत्नी को लाठी से वार किया था और उसकी मृत्यु होने के पश्चात साग छुपाने के लिए डेड बॉडी को सेप्टिक टैंक में छुपा दिया था। इस पर से बालको थाना में 302-201 IPC के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी रविंद्र राजपूत को रिमांड के जेल भेजा। खंडवा जिले में बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सुक्ता नदी पर बंधे बांध के गेट खोले जाने के बाद प्रभावित परिवारों को हटा दिया गया है। नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नर्मदापुरम में बने तवा बांध के गेट खोल दिए गए। शिक्षा विभाग ने स्कूल में अवकाश दे दिया है। लगातार दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। खंडवा और पंधाना तहसील के नदी नाले उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगामी एक दो दिन और बारिश की संभावना जताई है। SDM, तहसीलदार, पुलिस और NDRF की टीम ने नदी किनारे बसे गाँव के लोगों को जसवाड़ी, बेड़ियाँ, हापला, दीपला, खिंडगांव, भागफल आदि गांव के स्कूलों और पंचायत भवन में शिफ्ट करा दिया है। इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध के लिए पानी छोड़ने पर 24 से 30 घंटे अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। इंडियन न्यूज़ की बुलेटिन में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।